सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A53s के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में। तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि A53s का क्या हुआ और A53s का डिज़ाइन फीचर्स क्या क्या होंगे और ये स्मार्टफोन हमें कब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी A53s है ये आप लोगों को सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा और डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A53 से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन जिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। तो सैमसंग ने 2021 में लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी A52। सैमसंग ने A52 में दिया था हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग का वो स्मार्टफोन आया था सभी कुछ ठीक था, लेकिन प्रोसेसर में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रहा था। उसके बाद जब सैमसंग ने लॉन्च किया A52s तब वहाँ पर सैमसंग ने आप लोगों को दिया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G, तब ज़्यादा लोग पसंद किए और तब जाके लोग A52s को बाय किए। अगर आज के टाइम में भी आप लोग कंपेयर करते हैं तो A52 से ज़्यादा सक्सेसफुल A52s रहा। सेम केस सैमसंग गैलेक्सी A53 में भी वैसा ही है। A53 कमाल का स्मार्टफोन है, जो फीचर सैमसंग दे रहा है, जो कैमरा है, जो डिस्प्ले है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो यहाँ पर सैमसंग हार जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसर सैमसंग दे रहा है उस प्राइस सेगमेंट में वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, बल्कि उससे अच्छे अच्छे प्रोसेसर आप लोगों को सेम वही दाम में मिल जाता है। तभी जाके लोग उस स्मार्टफोन को उतना मतलब लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए 31,000 रुपये से अगर कोई स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करेगा और उसमें अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा भी दिक्कत आए तो लोगों को वो ठीक नहीं लगता है। सैमसंग गैलेक्सी जो A53s आएगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G+, जो कि एक नया प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A53s में देखने को मिलेगा, यानी कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G+, या फिर आप लोगों को मिल सकता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ओप्पो का रेनो 8 आएगा और उस प्राइस सेगमेंट में जो कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। तब जाके सैमसंग उन स्मार्टफोन्स को टक्कर देने के लिए A53s को लॉन्च करेगा, जिसमें आप लोगों को 778G+ या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। A53 अच्छा स्मार्टफोन है और A53s उससे अच्छा स्मार्टफोन होगा, लेकिन अगर आप लोग बाकी चीज़ों में कंपेयर करेंगे तो A53 और A53s में आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस डिज़ाइन आप लोगों को थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा और जो प्रोसेसर होगा उसमें सैमसंग यहाँ पर चेंजेस करने वाला है। बाकी सभी कुछ सेम मिलेगा जो आप लोगों को A53s में देखने को मिलता है, सॉरी A53 में मिलता है। बात करते हैं प्राइसिंग की। तो सैमसंग का A53s की प्राइसिंग वही रहेगा जो A53 का अभी है। जब A53s लॉन्च हो जाएगा तब सैमसंग उसकी प्राइसिंग कट कर देगा। अभी अगर हम लोग ऑफ़र्स की बात करते हैं तो A53 आप लोगों को ऑफ़र्स में 31,500 रुपीस में और 33,000 रुपीस में मिल जाता है। तो मे बी जब सैमसंग लॉन्च करेगा A53s को तो 35,000 या फिर 37,000 के आसपास लॉन्च कर देगा। तो ये आने के बाद हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।